स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइज, अगर आप सभी को पैसे की जरूरत है, आप सभी लोन लेना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन से आप सभी को 4 लाख रुपए तक का राशि जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक का राशि आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें 100% पेपरलेस है। कोई भी पेपर वर्क आप सभी के घर पे नहीं किया जाएगा, सारा प्रोसेस आप सभी का ऑनलाइन ही यहाँ पे कंप्लीट जो कि कर लिया जाता है। तो अगर आप सभी को लोन की ज़रूरत है, ज़्यादा ही परेशान हैं, तो इस एप्लीकेशन से आप सभी बिंदास जो कि ट्राई कर सकते हैं। यहां से आप सभी को 4 लाख तक का राशि जो कि प्रोवाइड कराया जाते हैं। तो किस तरीके से आप सभी को अप्लाई करना है, सारा डिटेल बताएंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना तरीके के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस एप्लीकेशन की अगर हम डाउनलोडिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन को 10 मिलियन से प्लस लोग अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं रेटिंग की अगर बात करें तो इसका रेटिंग जो है 4.5 का रेटिंग है, जो कि तकरीबन 1 मिलियन से अधिक लोग अभी तक इस एप्लीकेशन के अंदर रिव्यू दिए हैं। तो अप्लाई से पहले मैं आप सभी को रिव्यू पढ़ना चाहे तो नीचे आकर के आप सभी पढ़ सकते हैं, अच्छा खासा रिव्यू जो कि इसको मिला है इस एप्लीकेशन को। तो मैं आप सभी को अप्लाई से पहले थोड़ा टर्म एंड कंडीशन और अबाउट फीचर्स दिखाना चाहेंगे, उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस भी आप सभी को बताएंगे। तो इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप सभी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से राशि आप सभी को मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक का राशि यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। वहीं इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 0% से लेकर के 29% पर एनुअल के एतबार से, इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 0% से लेकर के 29% पर एनुअल के हिसाब से जो कि लगाए जाते हैं। लोन टेनर रीपेमेंट समय की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को मिनिमम 3 मंथ का समय दिया जाता है और मैक्सिमम आप सभी को यहाँ पे 24 मंथ का समय जो कि दिया जाता है लोन रीपेमेंट समय करने के लिए। इसके अंदर आप सभी को क्विक जो है लोन अप्लाई हो जाता है, लो इंटरेस्ट है, इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है, फास्ट अप्रूवल मिल जाता है, डिजिटल प्रोसेस है, 10 मिनट के अंदर ही आप सभी को लोन अमाउंट यहाँ से जो कि आप सभी के बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन पर्सन होना चाहिए, आप सभी का एज कम से कम यहाँ पे 21 वर्ष होना चाहिए और आप सभी का मंथली सोर्स इनकम भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप सभी यहाँ से मान लीजिए कि 50,000 रुपये का लोन लेते हैं 12 मंथ के लिए, ये लोन अगर आप सभी को मिल जाता है तो आप सभी को इंटरेस्ट 20% पर एनुअल के हिसाब से लगाए जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस आप सभी को 1250 रुपये आएंगे, अनबोर्डिंग फीस 200 रुपये लगाए जाएंगे, GST अनबोर्डिंग फीस आप सभी को 261 रुपये हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आप सभी को 5580 रुपये आएंगे, मंथली EMI बनेगा 4632 रुपये का, आप सभी के बैंक अकाउंट्स में जो अमाउंट क्रेडिट किए जाएंगे 48289 रुपये, टोटल पेमेंट करना होगा 55580 रुपये अगर आप सभी यहां से लोन लेते हैं। तो अब चलिए मैं आप सभी को अप्लाई का प्रोसेस जो कि बताते हैं। तो मेरा यहां पे इंस्टॉल है, हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप सभी को अपना लैंग्वेज यहां पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लोडिंग में रहेगा, कुछ समय यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे लॉगिन साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर फाइंड करना है, जो भी नंबर इसके साथ लिंक करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिस OTP को आप सभी को यहाँ पे नहीं डालना है, ऑटोमेटिक ही वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे, तो यहाँ पे कुछ परमिशन आप सभी को अलाउ करना होगा। तो इस बॉक्स में आप सभी को चेक मार्क करके आई एग्री वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आप सभी का थोड़ा देर फिचिंग में रहेगा, उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि मेरा यहाँ पे 0% अभी कम्प्लीट है। सबसे पहले लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके बाद KYC कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को प्रोफाइल डिटेल फिल करना होगा, उसके बाद आप सभी के बैंक अकाउंट्स में अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करना होगा, तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, नीचे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अब आप सभी को अपना पैन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, इस दोनों बॉक्स में चेक मार्क करना होगा, उसके बाद नीचे आप सभी को सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। चलिए ये डिटेल फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद गाइस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सभी को सेलेक्ट करना होगा,
अगर आप सभी सैलराइड है, कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है तो सैलराइड वाले पे टिक करेंगे, या खुद का कोई बिजनेस है तो आप सभी को सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी का मंथली इनकम क्या है यहाँ पे आप सभी को फिल करना होगा। उसके बाद आप सभी को नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का चेकिंग में एलिजिबिलिटी जो है चेकिंग में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कुछ समय जो कि वेट करना है, आप सभी को जो भी लोन ऑफर होगा आप सभी के स्क्रीन पे शो किया जाएगा। उसके बाद गाइज आप सभी को जो भी लोन ऑफर होगा कुछ इस तरीके से आप सभी के स्क्रीन पे शो होगा। जैसे कि मेरा गाइज यहाँ पे देखें 30,000 रुपये का लोन यहाँ से मुझे जो कि अप्रूव मिला है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे मेरा नाम भी लिख कर आया हुआ है, प्लस में यहाँ पे देखेंगे राशि भी 30,000 का अमाउंट यहाँ से मुझे मिल रहा है। तो अब यहाँ से कुछ स्टेप जो कि कंप्लीट करने होंगे। पहला मेरा एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे लोन एप्लीकेशन होगा, लोन एग्रीमेंट होगा, उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में राशि को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप आप सभी को कंप्लीट करने होंगे। तो कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सबसे पहला KYC कंप्लीट करना होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन है, रेफरेंस करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को KYC डॉक्यूमेंट्स है, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को कुछ डिटेल मैं यहाँ पे फटाफट जो कि बता देता हूँ। एड्रेस प्रूफ में आप सभी को यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो आप सभी को यहाँ अपलोड वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे गाइज आप सभी को कई ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा पेपरलेस आधार का, डिजी लॉकर का, दूसरा यहाँ पे पासपोर्ट का। अगर आप सभी यहाँ पे आधार से करते हैं या डिजी लॉकर से करते हैं तो फास्ट प्रोसेसिंग जो कि आप सभी का हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पे पहले यहाँ पे KYC कर लेंगे आधार से, उसके लिए आप सभी का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आप सभी डिजी लॉकर से करना चाहे तो डिजी लॉकर वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आप सभी को डिजी लॉकर के पेज पर लेकर चलेगा, साइनिंग टू डिजी लॉकर वाले पे क्लिक करेंगे, आप सभी को लेकर जाएगा डिजी लॉकर के पेज के ऊपर। गाइस यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप सभी पूरा स्टेप देखिए। जेन्युइन एप्लीकेशन है, यहाँ से आप सभी को लोन अमाउंट 100% जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अब आप सभी यहाँ से स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को अपना आधार नंबर फिल करना होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना होगा, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, डाल करके यहाँ पे लॉगिन जो कि आप सभी का KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इस स्टेप को मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप सभी का KYC हो जाएगा तो आप सभी देखेंगे कि मेरा यहाँ पे आधार डन हो गया है, टिक लग जाएगा ग्रीन कलर में। अब यहाँ पे एक सेल्फी ले लेना है तो कैप्चर वाले पे क्लिक करके यहाँ से एक सेल्फी जो कि कंप्लीट करते हैं। मेरा दोनों यहाँ पे कंप्लीट है, आधार भी सेल्फी भी दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी को नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे ही इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने होगा KYC। आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि मेरा डन हो गया है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है, इस वाले में आप सबको क्लिक कर लेना है। करने के बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ फिल करना है। तो अगर आप सभी मैरिड है, शादीशुदा है तो आप सभी को मैरिड वाले में क्लिक करना है, सिंगल है तो सिंगल वाले में, एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप सभी का सेम है तो यहाँ पे इस वाले में टिक कर लेंगे, उसके बाद रेसिडेंट टाइप यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे सिंपली आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप सभी देखेंगे कि मेरा यहाँ पे दो स्टेप जो कि कंप्लीट हो गया है, KYC जनरल कंप्लीट है, यहाँ पे रेफरेंस जो कि करना होगा तो इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को दो आदमी का नंबर जो कि इसके अंदर आप सभी को देना है। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को फादर मदर या स्पाउस का दे सकते हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट में से आप सभी यहाँ पे नंबर जो कि ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को फुल नेम दे देना होगा, यहाँ पे नंबर दे देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कि नाम आप सभी यहाँ पे दे देंगे और नंबर दे देंगे। उसके बाद कंटिन्यू वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ सेकंड जो कि वेट करना है, कुछ मिनट यहाँ पे आप सभी को वेट करना है। उसके बाद रिफ्रेश करके आप सभी को चेक करना होगा। उसके बाद गाइस आप सभी को अपना बैंक का डिटेल्स जो कि फिल करना होगा और उसके बाद आप सभी के बैंक अकाउंट्स में राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो गाइस तो मुझे यहाँ पे लोन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से आगे का स्टेप अब आप सभी को कंप्लीट करके नहीं दिखाया हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप सभी इस एप्लीकेशन से जो कि लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो आप गाइस आप सभी पूछेंगे कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। सो गाइस तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जेन्युइन एप्लीकेशन है, बिंदास आप सभी इसके अंदर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी को यहाँ से लोन मिल जाए, इस लिंक से लोन मिल जाए तो आप सभी वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।